पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में एक गांव के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटकता मिला है। शव मिलने से आसपास दहशत का माहौल है, लोगों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ता पिछले 24 घंटे से लापता था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के अपराधी तत्वों ने कार्यकर्ता बच्चू बेहरा की हत्या की है। हालांकि सत्तारूढ़ दल ने आरोपों को खारिज किया है। पुलिस ने कहा कि बेहरा रविवार दोपहर से लापता हो गया था और सोमवार शाम को दतन इलाके में उसके गांव के पास ही एक पेड़ से बेहरा का शव लटकता पाया गया। हमने मामले की जांच शुरू कर दी है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट ने तृणमूल कांग्रेस पर अपने कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बयान में कहा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता बच्चू बेहरा की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने की है, हमें न्याय चाहिए। वह गत दिवस शाम से ही लापता थे और आज उनका शव पेड़ से लटकता पाया गया। हम हिंसा की निंदा करते हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के अध्यक्ष अजीत मैती ने कहा कि हमने सुना है कि मृतक मानसिक रूप से बीमार था और नशे का आदि था। पुलिस को मामले की जांच करने दीजिए। हम बीजेपी द्वारा हर मौत के मामले के राजनीतिकरण की निंदा करते हैं। हमारा मोहनपुर थाना का सियालसाई जो बूथ है, वही बूथ का उपाध्यक्ष उसको हत्या करके पेड़ में लटकाया गया है। काल से वो लापता था, घर का सब लोग सोचा कि कहीं पे गए होगा। आज सुबह से छानबीन चालू किया और गांव का पास ही एक पेड़ में लटकाया हुआ पाया गया है। तृणमूली दुष्कृतियों ने दो दिन से उनको जाम से मरने का धमकी दे रहा है। पुलिस सपोर्ट करके ही ये हत्या किया हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।